करो तुम। कौन हो तुम? कौन हो तुम? देखो वहीं रुक जाओ, देखो आगे मत बढ़ो, वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। आंखें खोलो, क्या बात है मैडम? एनी प्रॉब्लम? मैंने कुछ नहीं किया। वो लड़की अचानक सामने आ गई, मैं तो बस गाड़ी चला रही थी, वो अचानक सामने आ गई, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। कौन लड़की सामने आ गई? आपने किसको नहीं मारा? क्या नहीं किया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। लड़की जो अंदर है, मुझे लगा मैंने उसे मार दिया, लेकिन वो तो अंदर है, मैंने कुछ भी नहीं किया प्लीज। आप ठीक है? ठीक है, काम डाउन, मैं देखता हूँ प्लीज। गाड़ी के अंदर तो कोई भी नहीं है। आप तो कह रहे थे गाड़ी के अंदर कोई लड़की है, लेकिन अंदर तो कोई भी नहीं है, ये क्या चक्कर है? नहीं नहीं, वो थी, वो पहले बाहर थी, फिर वो अंदर आ गई, मेरे पीछे वाली सीट पे थी, वो थी, वो होगी। आप देखिए, आप ठीक से देखिए, आप देखिए ना प्लीज। मुझे लगता है आपकी तबीयत खराब है। क्या नाम है आपका? नीतू ओबेरॉय। नीतू ओबेरॉय, यानी कहीं आप इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर प्रेम ओबेरॉय की बेटी? आई सी, अच्छा मैं आपको आपके घर तक पहुंचा देता हूं, आइए। नहीं नहीं, इट्स ओके, आई विल मैनेज। आर यू श्योर? या ओके, टेक केयर। थैंक यू।
पुलिस में फिलहाल इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। शुरुआत हुई सड़क तक गरमाया महंगाई मुद्दा, लोकसभा से वॉकआउट, सरकार पर बरसे बातें। मीतू बेटा आ गई तुम? मीतू बेटा मैं तुमसे कह रही हूँ, मीतू 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 बेटा, हाँ क्या बात है, परेशान लग रही हो तुम? आपको डर के वो सेक्रेटरी याद है जो एक बार घर आई थी? कौन वो आरती? उसका नाम भी मत ले, जानती है तेरे डैडी भी उसके कारण कितने परेशान हैं। मम्मा मैंने आज उसे देखा। क्या वो तुझे कहाँ मिल गई? मम्मा मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी। मीतू क्या कह रही है तू? वो लड़की तो कई दिनों से लापता है, वो तुझे कहाँ मिली? और अगर वो तुझे मिली थी तो तूने उसे छोड़ क्यों दिया, अपने साथ क्यों नहीं लाई? कैसे लाती मैं उसे अपने साथ माँ? वो तो गायब हो गई। क्या गायब हो गई? क्या कह रही है तू? अरे वो गायब कैसे हो सकती है, वो लड़की है, कोई छलावा थोड़ी जो गायब हो जाए। माँ मैं सच बोल रही हूँ, गाड़ी में मुझे कुछ अजीब सा लगा, जब उसने मुझे छुआ तो उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी की पूरी बर्फ की बनी हो। मीतू बेटा तू बहुत घबराई हुई लग रही है मुझे, टेंशन में भी हो बेटी, जरूर कोई वहम हो गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। चल चल मैं तुझे तेरे कमरे में छोड़ती हूँ, चल बेटा चल। चल बेटा मैं तुझे पहुंचा आती हूँ। मैं चली जाऊंगी माँ। सॉरी मैडम, ऑफिस में बहुत काम था इसलिए देर हो गई। क्या बात है, क्या सोच रही हो? वो आज मैं बहुत अपसेट हूँ। क्यों, क्या हुआ? ये क्या कह रही हो तुम, ये तो बड़ी चिंता की बात है हम दोनों के लिए। हाँ। चलो चलो उसके कमरे में चलते हैं। हाँ। मीतू मीतू यहाँ तो नहीं है, शायद बाथरूम में होगी, जाओ देखो। क्या हुआ? वो बाथरूम में भी नहीं है। बाथरूम में भी नहीं है? नहीं, दूसरे कमरे में देखते हैं। चलो। हाँ
मीतू, मीतू, मीतू तो यहाँ भी नहीं है, पर बिना बताए वो जाती नहीं है कहीं। आरती को लेकर मैं पहले ही परेशान हूँ, और अब अपनी बेटी। चलो बाहर देखते हैं। आओ आओ। हाँ, मुझे तो डर लग रहा है, मीतू कहाँ होगी? मीतू, 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 यहाँ भी नहीं है, अब क्या करें? पुलिस स्टेशन चलना होगा। हाँ चलो, अभी चलते हैं। चलो। मीतू, 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 अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? मॉम, डैड, मैं यहाँ कैसे आई? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कितनी रात गए, तुम यहाँ कैसे आई? पता नहीं, मैं तो अपने कमरे में थी, शायद मैंने कोई सपना देखा जिसमें मैं अपने कमरे से निकलकर गाड़ी में आ बैठी। मुझे लगता है कि तुमने नींद में चलना शुरू कर दिया। मीतू बेटा, डैड, दिस इज इम्पॉसिबल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर ये सब क्या है? पता नहीं, शाम से मेरे साथ कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है, लगता है हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। हाँ तुम ठीक कहती हो, चलो चलो बेटा आ जाओ। मिस्टर ओबेरॉय, जाहिरा तौर पर तो कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती, फिर भी मैं इसकी पूरी स्टडी करूंगा। और वैसे ओबेरॉय साहब, वहम का तो दुनिया में कोई इलाज नहीं है, मैं कुछ दवाई लिख देता हूं, ये आप इन्हें देते रहिएगा। दीदी ये लीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ। अरे इसमें परेशानी की कौन सी बात है, ये तो बहुत ही मामूली सी बात है, सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, आपने जीजाजी से मोहिनी के बारे में बात की या नहीं? मैं तो भूल ही गई थी, मैं आज शाम को बात कर लूंगी। अच्छा ये बताओ कि मोहिनी को काम का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं? लो और सुनो, क्या आरती के पास जॉब के एक्सपीरियंस की पूरी लिस्ट थी जो जीजाजी ने उसे काम दे दिया था? मोहिनी को भी काम मिल ही जाएगा। मोहिनी रहती कहाँ है? बैंड्रा में, वहाँ उसका अपना फ्लैट, उसके घर वाले दिल्ली में रहते हैं और अक्सर उसके यहाँ आते जाते हैं। तुम आ गई मोहिनी?
मोहिनी, तुम तो वही आरती हो ना, तुम मिस्टर ओबेरॉय के ऑफिस में थी। हाँ, लेकिन लोग तो कहते हैं तुम कहीं भाग गई हो। मैं भागी नहीं थी, मैंने वो जगह तुम्हारे लिए छोड़ी है। मेरे लिए क्यों? क्योंकि मिस्टर दिनेश पत्रा चाहते थे कि मेरी जगह तुम उस ऑफिस में काम करो। हाँ, बात तो सही है, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, दरवाजा तो बंद था, तो तुम अंदर कैसे आ गई? शायद दिनेश ही होंगे। जाओ मोहिनी, जाकर दरवाजा खोलो। खड़ी क्यों? जाओ, मैं यही हूं। दिनेश। मोहिनी, क्या हुआ? आरती, आरती बैठी है। आरती? हाँ, जीजा जी के ऑफिस का पूरा स्टाफ उसकी तलाश कर रहा है, पुलिस उसकी तलाश में है और वो यहाँ बैठी थी। तुम चलो मेरे साथ। देखो आरती, कहाँ चली गई? अभी तो वो यही थी, मुझसे बात कर रही थी। हाँ हाँ, वो खिड़की वहां खुली है ना, अब ये मत कहना कि वो खिड़की खोलकर कूद गई। मेरा यकीन करो, वो यही थी। अगर यही थी तो फिर वो कहाँ गई मोहिनी? देखो ये महज तुम्हारा वहम होगा, अरे जब कोई आया ही नहीं तो फिर जाएगा कहाँ से? तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो? यकीन की बात ही नहीं है मोहिनी। खैर छोड़ो, काम की बात यह है कि कल ओबेरॉय साहब के ऑफिस में ठीक 12 बजे तुम्हारा इंटरव्यू। देखो ओबेरॉय साहब मेरे जीजा जरूर हैं, लेकिन इंटरव्यू के दौरान ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम इस जॉब के लायक नहीं, वरना वो तुम्हें रखेंगे। ऑलराइट, सो शार्प 12 o'clock एट ओबेरॉय ऑफिस। टेक केयर, बाय। हाँ, ये देखो आरती का मैसेज आया। कहाँ मोहिनी, कोई मैसेज नहीं है, कोई टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा। अरे बाबा, ख्यालों में जीना छोड़ो और हकीकत का सामना करो। और हकीकत ये है कि कल तुम्हारा इंटरव्यू है जिसकी तैयारी तुम्हें करनी है। ठीक है, अब परेशान मत हो, अपना ख्याल रखो। हेलो सर, आपसे कोई मिलने आया है। हाँ ठीक है, उन्हें भेज दीजिए। ओके सर। मै कम इन सर। प्लीज कम इन। मिस मोहिनी, अभी 11:15 बजे हैं। लंच में जाने से पहले मैं कॉमर्स मिनिस्टर से मिलना चाहता हूँ, आप उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए। ओके जी।
क्या बात है, आप अभी तक गई नहीं? जी सर। गो, कम ऑन, डू इट। परेशान क्यों? तुम? हाँ मैं। तुमसे जो कहा गया तुम वही करो। वो मिस्टर ओबेरॉय थे, तुम्हें उन्होंने कॉमर्स मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहा है, मुझे तो फाइनेंस सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहा था। देख क्या रही हो? वो सामने मेरा कमरा है, चलो मेरे साथ चलो। अंदर आओ, ये मेरा कैबिन है। मोहिनी, उस ड्रॉ में मेरी पर्सनल डायरी है, उसी में तुम्हें कॉमर्स मिनिस्टर का नंबर मिलेगा। उनके सेक्रेटरी है शर्मा जी, जैसे तुम उन्हें मिस्टर ओबेरॉय का नाम दोगी वो तुम्हें अपॉइंटमेंट दे देंगे। अरे कौन है आप? देख क्या रही हैं आप? मैं प्यारे लाल हूं, इस ऑफिस का पियोन। सारे कमरों की चाबियां तो मेरे पास रहती हैं, फिर आप? अरे मैडम बोलिए ना, कौन हैं आप? मुझे तो ये लेकर कौन लेकर आया मेम साहब आपको? मिस्टर ओबेरॉय की मैं पर्सनल सेक्रेटरी हूँ, मोहिनी नाम है मेरा। अच्छा, आप आरती जी की जगह पर आई हैं? जी। माफ कीजिएगा, मुझसे भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया था। आपको कुछ चाहिए? मेरा मतलब चाय पानी वगैरह? नहीं प्यारे लाल जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो बता दूंगी। ठीक है मैडम, मैं जाता हूँ। हेलो हेलो, कुड आई स्पीक टू शर्मा जी प्लीज? हाँ मैं बोल रहा हूँ। शर्मा जी, मैं मोहिनी बोल रही हूँ, मैं मिस्टर प्रेम ओबेरॉय की नई सेक्रेटरी हूँ। मिस मोहिनी, आप कितनी बार फोन करेंगी? मैंने तो अपने साहब के साथ मिस्टर प्रेम ओबेरॉय का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया है। जी मैं कमिंग सर। कमिंग कमिंग सर। वो गुड, तुमने मंत्री जी का अपॉइंटमेंट 11:15 बजे का ले लिया है। मोहिनी, आई लाइक एफिशिएंट पीपल, और तुम्हारे काम करने का जो तरीका है ना वो आरती की तरह है। इस कंपनी ने तुम्हें अपॉइंट कर लिया है, और जाकर अभी अपना अपॉइंटमेंट लेटर ले लो। अरे मुझे देर हो रही है, आई मस्ट गो। सर Thank you.
थैंक यू तो बोलो। आरती, आरती तुम चाहते क्या हो मुझसे? मैं क्या चाहती हूँ? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, वरना मिस्टर ऑब्रॉय तुम्हें ये जॉब नहीं देते। लेकिन तुम तो खुद उनकी पर्सनल सेक्रेटरी हो ना, तो तुमने जॉब क्यों छोड़ दिया? ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती। आरती, आरती मेरी बात सुनो, आरती, आरती। आरती, आरती, मेम साहब, किसे पुकारा आपने? वो आरती यहाँ आई थी, कहाँ गई? मैडम, आरती मैडम यहाँ नहीं है, उनकी वजह से हम सब परेशान हैं। उनको ढूंढने के लिए पुलिस में रिपोर्ट तक लिखाई गई है। वो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए तो आपको यहाँ रखा गया है। क्या? हाँ। मोहिनी, मैं भारी हूं मोहिनी। वो मेरी ही थी, तुम्हारी आवाज थी। क्या हुआ? सुनो, तुम्हें देखती हूँ तो लगता है तुम हो, पर लगता है तुम नहीं हो, क्योंकि तुम हो तो तुम गायब कहाँ हो जाती हो? इस वक्त मैं तुम्हें अपने सामने देख रही हूँ। मैं ही हूँ मोहिनी। अगर तुम हो तो तुम ऑफिस क्यों नहीं आती? मैं वहां कैसे आ सकती? मेरी जगह तुम्हें रखवाने के लिए खुद मिसेज ओब्रॉय ने मिस्टर ओब्रॉय से कहा, और दिनेश पत्रा ने तुम्हारी सिफारिश की। जरा सोचो, मैं एक मामूली लड़की हूं, अनाथालय में पली हूं, मेरी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है, मैं उस जॉब पे कैसे रह सकती थी? मुझे पता है मोहिनी, दिनेश पत्रा तुम्हें यह जॉब दिलाकर तुमसे गलत दाम वसूल करना चाहता है।
आरती, लेकिन दिनेश बत्रा नहीं चाहेंगे तो मैं ये नौकरी नहीं कर पाऊंगी। ऐसा नहीं होगा मोहिनी। आरती, मैं जादू टोने में विश्वास नहीं करती। जब भी तुम मेरे सामने होती हो मेरा जिस्म पूरी तरह कांपने लगता है, मैं बहुत डर जाती हूँ। ऐसा क्यों होता है? जब तुम चाहो दिखाई देती हो, जब चाहो गायब हो जाती हो। ऐसा इसलिए होता है कि जब इंसान जिंदा होता है तो वो मजबूर होता है, कमजोर होता है, बेबस होता है, लेकिन वही इंसान जब मर जाता है तो वो आत्मा बन जाता है। उसमें कई सारी शक्तियां आ जाती हैं जिससे वो कभी भी कहीं भी आ जा सकता है, गायब हो सकता है, प्रकट हो सकता है। लेकिन तुम तो जिंदा हो। ऐसा तुम्हें लगता है? मैं जिंदा नहीं हूं मोहिनी। मेरे पास आओ। डरो मत मोहिनी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझसे हाथ मिलाओ। सच कह रही थी, तुम जिंदा नहीं हो। हाँ मोहिनी, मैं जिंदा नहीं हूं। मोहिनी, तुम्हें सच्चाई बताने का यह मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें डराना चाहती हूं। मैंने तुम्हें सच्चाई इसलिए बताई है क्योंकि तुम भी उन्हीं लोगों में घिरी हुई हो जो अपने मतलब के लिए किसी का भी खून कर सकते हैं। तो क्या तुम्हारा खून हुआ था? हाँ, मेरा खून हुआ था। बड़ी बेरहमी से मेरी हत्या की गई, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक अनाथ लड़की थी। मेरी तरफ से बोलने वाले सिर्फ एक इंसान थे, अनाथालय के मैनेजर शर्मा जी, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे पढ़ाया लिखाया, एक पिता का प्यार दिया। वो भी मजबूर है, उनके हाथ में कुछ भी नहीं। वो बेचारे तो ये सोच के परेशान है कि मैं अचानक कहाँ गायब हो गई। खैर, मैं उन्हें अपनी सच्चाई बता दूंगी, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूं कि मेरी हत्या का रहस्य क्या है। मैं उस दिन को नहीं भूल सकती जिस दिन मैंने पहली बार ऑफिस ज्वाइन किया। मैं जानती थी कि मैं एक मामूली लड़की हूं। जिंदगी में अपनी जगह बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मिस्टर ओबरॉय इतने अच्छे इंसान हैं कि उन्होंने मुझे ये महसूस ही नहीं होने दिया। और वैसे भी पहली बार मैं उनसे तब मिली थी जब वो अनाथ आश्रम के चीफ गेस्ट बन के आए थे। उनकी बातें, उनकी पर्सनालिटी ने मुझे प्रभावित कर दिया था। आप लोगों ने मुझे यहां बुलाकर जो सम्मान दिया है, जो इज्जत दी है, मैं आपका आभारी हूं। जिंदगी में कभी अपने आप को कमजोर मत समझिएगा, अनाथ मत समझिएगा। किसी ने बहुत सही कहा है, जिसका कोई नहीं भगवान उसके साथ है।
ओबराय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने हमेशा कमजोर और मजबूर लोगों की मदद की है और हमेशा करती रहेगी। आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूँ, 10 लाख रुपए का चेक। इस पैसे से आप बच्चों की तालीम और उनकी परवरिश में खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो, ओबराय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के दरवाजे हमेशा के लिए आप लोगों के लिए खुले हैं। अंत में एक संदेश देना चाहता हूं, उठिए और अपना हाथ बढ़ाइए और देखिए जिंदगी किस तरह आपको हाथों हाथ लेती है, किस तरह आपका स्वागत करती है। आप लोगों ने प्रेम ओबराय को अपना दोस्त समझा है, आपकी मदद के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। थैंक यू वेरी मच। और मोहिनी, मुझे तुम्हें बताने में जरा भी झिझक नहीं कि मिस्टर ओबराय की पर्सनालिटी देखकर, उनकी बातें सुनकर मैं उनसे प्रेम कर बैठी। मोहिनी, मैं जानती हूं मेरी बातें सुनकर तुम्हें हैरानी हो रही है, लेकिन जरा उस लड़की की साइकोलॉजी के बारे में सोचो जिसका पिता नहीं, भाई नहीं, दुनिया में अपना कहने वाला कोई भी नहीं। मुझे इनमें कुछ दिखाई देने लगा। अनाथ आश्रम के बाहर किसी इंसान से ये मेरा पहला परिचय था। मैं जानती थी कि मेरी भावनाएं, मेरी उमंग, मेरे सपने, ये सब मुझ तक ही रहेंगे। लेकिन मेरा भाग्य तो देखो, मेरी उनसे मुलाकात हो गई और मेरी अच्छाइयों का जिक्र शर्मा जी ने उनसे किया। मिस्टर ओबराय ने मुझे अपनी कंपनी में पर्सनल सेक्रेटरी की जॉब भी दे दी और जिस दिन मैं पहली बार उनके ऑफिस पहुंची, Yes? मुझे मिस्टर प्रेम ओबराय से मिलना है। उनका कैबिन कहाँ है? Straight and then left. Thank you. May I come in, sir? Come in. Sit down. Thank you, sir. आज से पहले किसी को पहली बार देखकर इतना इम्प्रेस कभी नहीं हुआ। तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे अंदर जरूर कोई बात है और तुम्हारा नाम भी तो कितना खूबसूरत है, आरती। एक अनाथालय में पलकर बड़ी हुई, इतनी तालीम हासिल की और इतनी एफिशिएंट, फैंटास्टिक, वेल डन। आरती, ये मेरी डायरी है, आज के बाद तुम इसमें मेरे अपॉइंटमेंट लिखोगी। सर, ठीक है, घंटे बाद आपकी फाइनेंस सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट है। क्या? अरे मैं तो भूल ही गया था। नो प्रॉब्लम सर, मैं आपकी अपॉइंटमेंट रिकन्फर्म करवा देती हूँ। अरे यूज दिस फोन। हेलो जी, मैं मिस्टर प्रेम ओबराय के यहाँ से उनकी पर्सनल सेक्रेटरी बोल रही हूँ। एक घंटे बाद उनकी आपसे अपॉइंटमेंट है। आई लाइक टू रिकन्फर्म इट। कन्फर्म है। सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू। सर, आपकी एक घंटे बाद अपॉइंटमेंट कन्फर्म है। यहाँ से वहाँ पहुँचने में लगभग 40 मिनट लगेंगे आपको। थैंक यू आरती, थैंक यू। इस जॉब के लिए मैंने तुम्हें सेलेक्ट कर लिया है और मैं समझता हूँ कि मैंने कोई गलती नहीं की। थैंक यू सर। इस तरह मेरे जॉब की शुरुआत बड़ी एक्साइटिंग हुई। जिस तरह ओबराय साहब ने मेरे बारे में कहा था, उस सब से मुझे बड़ा हौसला मिला। वो मुझे अपने साथ मीटिंग्स में लेके जाने लगे
कई बार तो मैं उनके साथ शहर के बाहर भी गई, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि कुछ लोग मुझ पर नजर रखे हैं। इस बीच कई बार मैंने दिनेश पत्रा को भी अपने बारे में इंक्वायरी करते देखा। वो इसलिए कि जब ये पोस्ट खाली हुई थी तब दिनेश पत्रा ने मुझे ये पोस्ट दिलाने का वादा किया था, और फिर एक दिन वो मेरे फ्लैट पर बड़े पूछे पूछे से आए। दिनेश जी आइए ना। क्या बात है, बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। हाँ बस ऐसे ही। आज तो आप मुझे मिस्टर ओबेरॉय से मिलवाने वाले थे। हाँ मोहिनी, लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो गई है। कैसी गड़बड़? मुझे पता नहीं था कि भीजा जी भी लड़कियों में दिलचस्पी रखते हैं। क्या? हाँ वो पता नहीं किसी यतीम खाने से किसी यतीम को उठा लिया है, और उसे वो जॉब असाइन कर दी है जिसके लिए मैंने तुम्हें वादा किया था। इसका मतलब मेरा चांस गया। अरे 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 अरे, क्या हो गया तुम्हें मोहिनी? ऐसे कैसे तुम्हारा चांस चला जाएगा? हाँ भाई, तो फिर हम किस मर्ज की दवा हैं? बस कुछ ही दिनों की बात, उस लड़की से मैं मिल चुका हूँ, वो ज्यादा दिनों तक वहां रहेगी नहीं। पर तब तक मैं क्या करूं? इसकी फिक्र तुम्हें नहीं करनी है, इसकी फिक्र हमें करने दो। ऑलराइट, सो जस्ट चिल। पर एक दिन दिनेश पत्रा मेरे घर आए, उन्होंने मुझे गुड न्यूज दी। कहने लगे वारती वहां नहीं टिकेगी, वो लड़की भाग गई है। ये बात उन्होंने तुमसे कब कही? मुझे वो तारीख याद है, 25 तारीख। 25 तारीख, ये तारीख मैं कैसे भूल सकती हूँ? 25 तारीख को मुझे जीते जागते शरीर से आत्मा बना दिया गया। 25 तारीख को मैं जागी जरूर, लेकिन 25 तारीख की सुबह का सूरज नहीं देख पाई। तुम
कौन हो तुम? कौन हो तुम? देखो वहीं रुक जाओ, देखो आगे मत बढ़ो, वहीं रुक जाओ। कौन तुम? छोड़ो मुझे। क्या चाहिए तुम्हें? बचाओ! तो क्या सब कुछ? पहले मेरी पूरी बात सुन लो। एक दिन मिस्टर ओब्रॉय मेरे फ्लैट पे आए, सर आप? हाँ मैं अक्सर यहाँ आता हूँ देखने के लिए कि मेरे स्टाफ के लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है। अंदर आइए ना सर। क्या लेंगे आप सर? चाय, कॉफी? आज नहीं, किसी खास दिन। यूं समझो कि तुम्हारे बर्थडे पर। क्या बात है, मैंने कुछ गलत कह दिया? एक्चुअली सर, जो लोग अनाथालय में पलकर बड़े होते हैं उनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता, क्योंकि उन्हें अपने जन्म का पता ही नहीं होता। ओह, आई एम सॉरी, मुझे इस बात का ध्यान ही नहीं था। लेकिन आरती तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाऊंगा। मेरा जन्मदिन कैसे सर? देखो, तुम 25 तारीख को ऑफिस में आई थी, इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारा जन्म 25 तारीख को हुआ। अब हर साल 25 मार्च को मैं तुम्हारा जन्मदिन मनाऊंगा, क्यों? ठीक है ना? सर आप बहुत अच्छे इंसान हैं। एक बड़ी दुखदायी बात को आपने एक बहुत खूबसूरत रूप दिया है। इनफैक्ट आपने मुझे एक नया जन्म दिया है। तो ठीक है, मुझे अब 25 मार्च का इंतजार रहेगा। तो मेरी सेक्रेटरी हो तो मेरी डायरी में 25 मार्च नोट कर लेना। 25 मार्च, ओके? आरती, जब मैं तुम्हें देखता हूं तो सोचता हूं कि तुम्हारे अंदर जो कॉम्प्लेक्स है, फ्रस्ट्रेशन है, उसे हटाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि तुम डिजर्व करती हो। सर, मेरे दिल में आपके लिए खास जगह है। दिल का वो कोना जहां लोग देवी देवताओं को रखते हैं, वो आपके लिए है। पहली बार जब मैंने आपको देखा था तब मैं, जाने दीजिए, लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगी कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं, क्योंकि आप उसे डिजर्व करते हैं। आरती, इस दुनिया में अगर सबको अपनी मनचाही चीज मिल जाए तो ये धरती स्वर्ग न बन जाए? आप ठीक कह रहे हैं सर, इंसान को कुछ और चुनने का हक हो ना हो, लेकिन अपना ईश्वर तो वो चुन ही सकता है। ये तुम क्या कह रहे हो दिनेश? जो भी कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं, और ये सच्चाई कानों ने नहीं सुनी है, आंखों ने देखी, खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख कर आ रहा हूं। दीदी, अब जूते की धूल सर पर आ रही है, बहुत दिनों से देख रहा हूं ये सब। प्लीज उन्हें रोको दीदी, जीजा जी को किसी भी तरह रोको,
लेकिन कैसे? एक रास्ता है। वो जो लड़की है ना मोहिनी, जिसका जिक्र किया था मैंने आपसे, उसे तो इस नौकरी के लिए मैंने ऑलरेडी वादा किया हुआ है। बस आप किसी भी तरह से जीजाजी को मनाइए कि वो मोहिनी को काम पर रख लें और आरती को काम से निकाल दें। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं दीदी। देखिए अगर आप जिद पर उतर आएंगी तो जीजा जी को मानना ही पड़ेगा। नहीं अरुणा, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारे घर के मामले में मैं इंटरफेयर नहीं करता हूँ। मैं ऑफिस में क्या करता हूँ, क्या फैसले लेता हूँ, क्या सही है क्या गलत है, तुम भी इंटरफेयर मत करो। नहीं, आपको मेरी बात माननी ही होगी। आपको आरती को नौकरी से निकालना ही पड़ेगा। मोहिनी को तुम्हें नौकरी पे रखने का वादा भी कर चुकी हूँ। वादा? वादा करने से पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। जिस लड़की को तुम निकालने के लिए कह रही हो वो चार लोगों का काम अकेले करती है। वो एक अनाथ लड़की है। उसकी मेहनत ने, उसकी ईमानदारी ने मेरे दिल में जगह बना ली है। तो उसने आपके दिल में जगह भी बना ली। शट अप। मैं कभी भी नहीं भूला था कि मेरी बेटी शादी के लायक है, और मैंने जिंदगी में कभी मर्यादा की सीमा को पार नहीं किया। अगर किसी ने मर्यादा की सीमा को पार करने की कोशिश की, मैं उसे माफ नहीं करूंगा। और इस टॉपिक के बारे में कभी बात मत करना। हाँ दीदी बोलिए। दिनेश गजब हो गया, तुम्हारे जीजाजी ने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। क्या इनकार कर दिया? लेकिन दीदी आज तक तो उन्होंने आपकी बात कभी नहीं टाली। हाँ दिनेश, और जानते हो उन्होंने मुझसे वजह भी बताई है। उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया कि उस लड़की ने उनके दिल में जगह बना ली है। ऐसा कहा उन्होंने? हाँ। दीदी तब तो बड़ी गड़बड़ है। वो लड़की शातिर नहीं बहुत चालाक भी है, और आप तो जानती हैं कि हमारे जीजाजी कितने भोले हैं। दीदी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वह हमारे जीजाजी से जरूर 10-15 करोड़ रुपए ऐंठ लेगी। अरे मेरी समझ में तो पहले ही आ गया था, उसके रंग ढंग ही बता रहे थे। सच पूछिए तो दीदी, जहां जहां जीजाजी जाते थे ना, बस तुम छल्ले की तरह उनके पीछे लगी रहती थी। उसका खेल अब मेरी समझ में आ रहा है। दीदी दरअसल उसकी नजर हमारी करोड़ों की दौलत पर है। उसे रोको दिनेश, किसी तरह उसे रोको। काम तो हो जाएगा दीदी, लेकिन इसके लिए 1-2 लाख रुपए खर्च होंगे। क्या बस 1-2 लाख में काम हो जाएगा? अब कोशिश करूंगा दीदी, हो जाएगा। तो ऐसा कर दिनेश, तू आज ही मुझसे 2 लाख रुपए ले ले, पर काम हो जाना चाहिए। तो बस यूं समझिए कि आपका काम हो गया। आखिर आपका भाई ठहरा। अरे आपका घर यूं टूटने थोड़ी दूंगा दीदी। आई ट्रस्ट यू दिनेश। थैंक यू दिनेश, मैं फोन रखती हूँ। हाँ ओके दीदी ओके। बारम साहब, तो यह है मेरी कहानी। यह तो बहुत बड़ा जुल्म है। हाँ मैं जानती हूँ, दिनेश पत्रा ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। तुम्हें नौकरी देने का बहाना ढूंढा है। दरअसल तुम्हें नौकरी देकर वो तुम्हें अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं चाहती। हाँ ये सच है, मरेली में मेरा पूरा परिवार है, उन्होंने मुझसे आस लगा रखी है।
लेकिन अब जब सच्चाई का पता मुझे चल गया है तो मैं ये नौकरी नहीं करूंगी। तुम ऐसा नहीं करोगी। मैं जानती हूँ मोहिनी, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है तुम उसमें कहीं भी शामिल नहीं हो। तुम ये नौकरी नहीं छोड़ोगी। तो फिर तुम्हें इंसाफ कैसे मिलेगा? अपना इंसाफ मैं खुद लूंगी। आज ओबेरॉय साहब की बेटी नीतू ओबेरॉय का जन्मदिन है। इस वक्त वो बाहर शॉपिंग करने गई है, कुछ ही दिन में घर आ जाएगी। दिनेश पत्रा तुम्हारे पास आ रहा है, तुम उसे लेकर ओबेरॉय साहब के घर चली जाओ, जन्मदिन की मुबारकबाद दें। मेरा खेल वहीं शुरू होगा। अरे मोहिनी, क्या कर रही थी तुम? मैं कब से बेल बजा रहा हूँ? थोड़ा काम में थी मैं। अच्छा, ओके। और सुनाओ मोहिनी, तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा? How was your day at work? अच्छा रहा। जानती हो मोहिनी, तुम्हारी इस नौकरी के लिए दीदी से कितनी मिन्नतें करनी पड़ी, और उन्हीं की जिद पर। जी हाँ, दीदी ने जीजाजी से जिद की तब जाकर तुम्हें नौकरी मिली है। जी नहीं, मिसेस ओबेरॉय की फील्डिंग की वजह से तो मुझे सिर्फ एंट्री मिली है। यह नौकरी मुझे आरती की वजह से मिली है। आरती, ये क्या हो गया तुम्हें मोहिनी? मैंने सोचा था कि आज तुम्हारे ऑफिस का पहला दिन है, तुम खुशी खुशी लौटोगी तो कहीं घूमेंगे फिरेंगे मौज मस्ती करेंगे, लेकिन घर जाने तो। वैसे तुम्हारे और मेरे बीच एक डील हुई थी मोहिनी, कि जिस दिन मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा हमारे बीच की ये दूरी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मुझे याद है दिनेश, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक छोटी सी शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त? घबराओ नहीं दिनेश, मैं मितू को आज उसके बर्थडे पे सिर्फ विश करना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आज मितू का बर्थडे है ना? चलो चलते हैं। एक मिनट, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि आज मीतू का बर्थडे है? मुझे था। अरे आप भूल रहे हैं, मैं प्रेम जी की अब पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। चलो चलते हैं, कम लेट्स गो, टाइम तो हो ही गया। भाई अरुणा, तुम तैयार हुई कि नहीं? मीतू आती होगी। अरे बाबा, मैं तैयार हो गई। आप भी ना कितनी जल्दी मचाते हैं, थोड़ा बहुत टाइम तो लगता ही है ना। अरे मैं तो आपसे पूछने ही भूल गई, वो आपकी नई सेक्रेटरी कैसा काम कर रही है? अच्छा कर रही है, अच्छी है, लेकिन मैं आरती को भूल नहीं पाया हूँ। लगता है मिट्टू आ गई। आओ। अरे मोहिनी, तुम सर आज मिट्टू का बर्थडे है ना, उसे विश करने आ गई। अरे तुम्हें कैसे पता चला? दिनेश ने बताया। सर की सेक्रेटरी हूँ, हर चीज की जानकारी रखनी चाहिए ना। यस यस यस, चलो आओ।
मीतू, मीतू क्या हुआ? मीतू? हाँ! मैं यहाँ हूँ मिस्टर ओब्राय। आरती? जी हाँ, आरती। मिस्टर ओब्राय माफ कीजिएगा, आज आपकी बेटी का जन्मदिन है। मैं इस खुशी को बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करूं, इस रशन में मेरे हथियारे भी शामिल हैं। हथियारे? जी हाँ, जिन्होंने जबरदस्ती मुझे अपने रास्ते से हटा दिया। कौन है तुम्हारे हथियारे? वही जो आपके साथ खड़े हैं। दिनेश? जी। और? और कौन? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे दिनेश ने बताया था, ये लड़की आपके साथ संबंध बना रही है, आपको फंसा रही है। तुम इतना गिर सकती हो? तुमने ऐसी बेहुदा बातों पर विश्वास कैसे किया? मिस्टर ओब्राय, दिनेश पत्रा ने एक तीर से दो शिकार किए। इसने मोहिनी को मेरी जगह लाना चाहा, और इसके लिए इसने आपकी पत्नी का इस्तेमाल किया। क्या? लेकिन मिसेज ओब्राय, आपने अच्छा नहीं किया। अपने महान पति को बहुत ही छोटा बना दिया आपने, और एक औरत को भी छोटा बना दिया। दिनेश पत्रा की बातों में आकर आपने मुझे मारना चाहा, और इसके लिए इसे 2,00,000 रुपए भी दिए। आंटी सच कह रही है, दिनेश ही मुझे नौकरी दिलाकर मेरे साथ नाजायज संबंध बनाने का सौदा कर रहे थे। इन्होंने आरती को अपने रास्ते से हटाकर आपकी पत्नी पर यह जताया कि भाई बहन की कितनी चिंता करता है। हाँ, और बड़ी बेरहमी से इन्होंने मेरी हत्या करवाई। न जाने मेरी लाश अभी तक वैसे के वैसी है, शायद इसलिए क्योंकि आप सबको यह नजारा देखना था। मिस्टर ओब्राय, ये दोनों मेरे हथियार हैं, और अब मैं इन दोनों को सजा देने जा रही हूँ। दिनेश पत्रा, तुमने मुझे अपनी जान बचाने का एक मौका नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हें अपनी जान बचाने का एक मौका देती हूँ। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो भाग जाओ। मैं जा रहा हूं। Oh!
भागोगी। आप भूल गए, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। मुझे दुनिया की कोई दीवार और कोई दरवाजा मुझे आने से नहीं रोक सकता। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफी का समय बीत चुका है, अब सिर्फ सजा मिलेगी। नहीं, मुझे माफ कर दो। मामा,